हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस में डेटा बहुत है जो बोर्ड पर ठीक से नहीं आता, इसलिए हम लैपटॉप बेस्ड वीडियोस में इसको पढ़ रहे हैं। एंड आई होप कि इसमें क्लियर हो ही रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो अपनी बुक खोल लीजिए, इलस्ट्रेशन 2 हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। अगर देखें तो ये हमारा वीडियो नंबर होगा 11.5.9 होना चाहिए, आई थिंक। बोर्ड में मैंने 7 वीडियोस दी थी, 8 और अब ये 9th हो गई। चलिए शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 1, सबसे पहले उसने कहा कि उसने बिजनेस 70,000 कैश के साथ स्टार्ट किया, यानी कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो इधर मैं ले लूंगा 70,000 और इधर मैं ये ले लूंगा कैपिटल में भी 70,000। सीरियल नंबर 2, अब उसने क्या किया कि उसने उधार में 18,000 रुपए के स्टॉक खरीदा। वेरी गुड। ऐसा करने से स्टॉक में 18,000 मेरे प्लस हो गए और इधर क्रेडिटर्स में मेरे प्लस में 18,000 आ गए। अब मैं अगर एक लाइन छोड़ दूं अकाउंटिंग मतलब लाइन लगाने के हिसाब से, तो मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो बनती है 70,000 मेरा कैश है प्लस स्टॉक मेरा है 18,000 प्लस मशीनरी अभी मेरे पास नहीं आई है इज इक्वल टू, देखेंगे तो ये 88,000 पर जा रहा है। 18,000 यहां पर ये मेरा आ गया प्लस और ये हो गया मेरा 70,000। तो मेरी इक्वेशन इस समय 88,000 पर मैच कर रही है, राइट है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं इसमें कौन सी बताई गई है। पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को दी है 17,500, राइट। यानी कि जो पहले मैंने 18,000 देने थे उनको मैंने 17,500 रुपए दिया। ऐसा बिजनेस में होता है, कई बार जब हम फाइनल पेमेंट करते हैं तो हम उसको कम अमाउंट पे कर देते हैं। तो उसमें एक तरह से देखा जाए तो मेन बात इसमें समझने की क्वेश्चन में ये कि 18,000 की लायबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी कैश में से, लेकिन 17,500 ही जाएगा और 500 रुपया कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट हो गया एक तरह से कि हमने किसी को 18,000 देने थे, हमने उसको सिर्फ 17,500 पे किया तो 500 का मेरा कैपिटल में एप्रिसिएशन आ गया। तो पहला इंपैक्ट, तीन इंपैक्ट हो गए। पहला इंपैक्ट क्या हुआ कि मेरा कैश डाउन हो गया। कितने से कैश डाउन हुआ मेरा? 17,500 से मेरा कैश डाउन हो गया। स्टॉक में इस बार कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्रेडिटर्स मेरे पूरे 18,000 के चले गए बिकॉज इट्स अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जहां तक कैपिटल का सवाल है, इसमें मेरे 500 रुपया ऐड हुआ है। दिस इज द सिचुएशन, राइट। तो अब मैं अगर एक लाइन छोड़ के इसका डेटा अपना बनाऊं तो अब मेरे पास जो कैश है अगर आप देखें तो दैट इज 52,500। स्टॉक मेरे पास पूरा 18,000 का ही खड़ा है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। मशीनरी अभी नहीं आई है इज इक्वल टू ये मेरा जीरो हो गया। हाँ, मेरी जो कैपिटल है वो 70,500 पे चली गई। तो इससे मुझे पता चलता है कि इस समय मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है सामने साफ साफ नजर आ रहा है डेटा, दैट इज एट 70,500, राइट। फोर ट्रांजेक्शन की बात करूं तो 20,000 रुपए की कैश मशीनरी खरीद ली है। तो सबसे पहले तो ये कैश ही उड़ जाएगा 20,000 यहां से, और स्टॉक पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मशीनरी इस बार प्लस 20,000 आ गई और दूसरी तरफ तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। दोनों प्लस माइनस हमने इस बार एसेट साइड में ही कर लिए। तो उस हिसाब से अब मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन के हिसाब से छोटा ही क्वेश्चन था तो मेरा कैश बच गया 32,500, स्टॉक मेरा है 18,000, बीच में मुझे प्लस का साइन लगाना चाहिए 18,000, राइट। फिर से प्लस करूंगा, मशीनरी में भी मेरा 20,000 होगा, देन इज इक्वल टू देन दिस इज माय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो मेरे पे ऑफ ही हो गए थे, तो उनको तो मैंने सेटल ही कर दिया था तो उनका कुछ नहीं है यहाँ पे, एंड इट इज स्टिल 70,500, राइट। तो मैं एक बार कैलकुलेटर उठा के चेक कर रहा हूँ, 32,500, 18,000 एंड 20,000, तो इट इज 70,500। यानी 70,500 पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बिल्कुल अच्छे से मैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिस्ट ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल होती है जिससे आपको पता चलता है कि किस किस सब्जेक्ट पे, जैसे बिजनेस स्टडीज पर मैंने काफ़ी वीडियोस आपके लिए बना के ऑलरेडी डाल रखी हैं, बन रही हैं कॉन्टिन्यूसली, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और 12th में तो जब आप पहुंचेंगे तो बहुत ही वीडियोज़ हैं, इंग्लिश पर है, इकोनॉमिक्स पर है, बिजनेस स्टडीज़ पर है, अकाउंट्स पर है, बहुत सब्जेक्ट्स पर मैंने आप लोगों के लिए 12th क्लास में वीडियोज़ बना रखी हैं, राइट। उनको भी आप देखिएगा। थैंक यू।